अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हेचएनएस में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है हेचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल का भी आगाज हो गया। पर्चा नामजदगी जारी माह की 10 तारीख तक कबूल की जाएगी। इतवार के अलावा बाकी दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में पर्चा नामजदगियाँ वसूल किए जाएंगे। पर्चा नामजदगी ऑनलाइन पर करके दरख्वास्त उम्मीदवार खुद मौजूद होते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करें। दूसरी तरफ तमाम सियासी रहनुमा पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए अच्छे मुहूर्त के लिए तैयार हो रहे हैं। तेलंगाना में इंतखाबात का मौसम चल रहा है, उसी तरह जारी महीने की 13 तारीख को नामजदगियों की तनखी की जाएगी, जबकि पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवम्बर है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के अमल के तहत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के 79 IAS और 39 IPS अफसरान को इंतखाबी मुबसिर के तौर पर मुकर्रर किया है। इंतखाबी अहलकारों के अखराजात पर नजर रखने के लिए 60 IRS अहलकारों को खसूसी तौर पर मुकर्रर किया गया। हर अफसर को असम्बली के 2 हलके तजवीज़ किए गए। हुकाम उस वक्त से लागत का हिसाब लगाएगी जब उम्मीदवार अपनी नामजदगी दाखिल करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सरबरा और तेलंगाना के वजीर अला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP ने रियासत में एक भी मेडिकल कॉलेज या 9 विद्यालय की मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में सबक सिखाया जाना चाहिए। KCR ने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 सालों में अखिलती बहबूद के कामों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि सबका कांग्रेस हुकूमत ने 900 करोड़ रुपये खर्च किए थे। तेलुगुदेशम पार्टी के तेलंगाना यूनिट के साबिक सदर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिरान ने जुमे 3 नवंबर को भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत अख्तियार की। BRS पार्टी के सरबरा और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज्ञानेश्वर और दिगर कायदीन का अपने फार्म हाउस अरावली गजवेल में पार्टी में खैर मकदम किया और बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया। इन्होंने 30 अक्टूबर को TDP से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के आला कमान को भेजे गए अपने इस्तीफा खत में कासानी ने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तेलुगुदेशम पार्टी के कॉल इनके फैसले की बुनियादी वजह थी। इन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी पार्टी में जारी नहीं रह सकते जो केडर को मदद फराहम करने से खासिर हो। ये इकदाम 30 नवंबर को होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात से सिर्फ 1 माह कबल हुआ है। YSR तेलंगाना पार्टी रियासत में 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेगी और अपोजिशन कांग्रेस की हिमायत करेगी। पार्टी सदर YS शर्मिला ने जुमे को ये मालूमात दी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व मरहूम YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव की जेर क्यादत भारत राष्ट्रीय समिति के बदउनवान और अवाम मुखालिफ राज को खत्म करने के लिए कांग्रेस की हिमायत करने का फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि जब रियासत में इख्तदार की तब्दीली का इम्कान है तो वो हुकूमत मुखालिफ वोट को तकसीम करके रुकावट नहीं बनना चाहती। शर्मिला ने कहा कि वो कांग्रेस लीडरों और कारकुनों के लिए बहुत एहतराम करती है और इसलिए वो कांग्रेस के वोट को तकसीम नहीं करना चाहती जिससे हुकुमरान BRS को फायदा हो सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से शदीद झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी असासों के मामले में जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया। अदालत उज़्मा ने जगन के साथ साथ CBI कोर्ट को भी नोटिस जारी किया। जगन के मुकदमात के सिलसिले में दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के सामने समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफ्तार किया कि जगन के गैर कानूनी असासजात केस में इंतहाई ताखिर हो रही है। अदालत ने CBI को अहकाम जारी करते हुए कहा कि तहकीकात में ताखिर की वजूहत बताएं। अदालत ने अगली समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम फरीकीन को नोटिस जारी कर दिया। रुकन पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू ने जगन के मुकदमात के समाअत को दूसरी रियासत में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। रुकन पार्लियामेंट ने जगन के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दरख्वास्त में कहा गया कि तेलंगाना CBI कोर्ट में जगन के केसों में इंतहाई ताखिर हो रही है। इन्होंने कहा कि CBI अदालत ने जगन की बराह रास्त हाजिरी से भी छूट दी है। दरख्वास्त में बताया गया है कि डिस्चार्ज की सैकड़ों दरख्वास्तें दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रघुरामा की अर्जी पर कई सवाल उठाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि रुकन पार्लियामेंट रघुरामा का जगन के गैर कानूनी असासजात केस से क्या ताल्लुक है। बेंच ने दरियाफ्त किया कि MP रघुरामा ने अर्जी क्यों दायर की जबकि वो शिकायत कुनिंदा नहीं है और मुतासरा भी नहीं। इस मौके पर MP रघुरामा के सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि अगर वो शिकायत कुनिंदा नहीं है तो भी वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बेंच ने इस्तफसार किया कि तीसरे शख्स ने दरख्वास्त क्यों दायर की। जब अदालत ने पूछा कि क्या वो अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स है तो MP के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि MP रघुरामा भी YCP के रुकन पार्लियामेंट है। तो MP के वकील ने
हुकूमत के मुख्तलिफ एहतियाती इकदामात के बावजूद कौमी दारुलहुकूमत और कौमी राजधानी खिते में हवा का मियार जुमे को शदीद जुमरे में दर्ज किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर हवा के मियार का इंडेक्स AQI 400 को उबूर कर गया। इस वजह से दिल्ली के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CBCB के मुताबिक लोधी रोड इलाके में AQI 438 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 491, आर के पुरम में इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट T3 के इर्द गिर्द 473 रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।